आज हम जानेंगे जून का जो थर्ड वीक है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कैसा रहा, वो कितने अप थे और किस वजह से थे, और आने वाला जो फोर्थ वीक है जून का वो मार्केट के लिए कैसा होगा, मार्केट कहाँ जा सकता है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूँ आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। और हम अब देख रहे हैं वीकली मार्केट व्यू। हम लोग हर वीक मार्केट को रिव्यू करेंगे कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में मार्केट कैसा हो सकता है। हम मार्केट के ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे और मार्केट के ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने 8,800 से एग्रेसिवली बाइंग की, फिर कहीं ना कहीं 9,000 पे एक बार रिट्रेसमेंट किया और एक हायर लो स्टैब्लिश किया। उसके बाद निफ्टी कंटिन्यू बढ़ती गई और उसने 10,328 का एक लेवल बनाया। 10,328 के बाद निफ्टी ने वापस एक रिट्रेसमेंट किया और कहीं ना कहीं एक ही साथ उसने 450 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग दिया और फिर बाद में उसको एग्रेसिवली बाई किया और कहीं ना कहीं वापस उसको ऊपर क्लोज किया। तो 9,500 का वापस कहीं ना कहीं निफ्टी ने हाई फ्लो स्टैब्लिश किया। बाद में 2-3 दिन इन बिटवीन ही घूमता रहा और उसके बाद फिर उसने जो 12 जून को उसने 9,500 में जो उसने गैप डाउन ओपनिंग किया था उसके हाई को ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देख रहे हैं कि निफ्टी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए अपने मेन ट्रेंड को, मतलब अब ट्रेंड को पकड़ता जा रहा है। अभी हम लोग ये देखें कि इस वीक में जो मार्केट ने बाइंग आई थी उसमें कौन कौन से स्टॉक थे ज्यादा एग्रेसिवली, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री था, HDFC बैंक था, ICICI था और बजाज फाइनेंस था। और कहीं ना कहीं मैं कंसिडर करूँ तो HDFC लिमिटेड को भी ले सकते हैं जो 2 पॉइंट समथिंग% प्लस था। अगर हम ये पे 5 स्टॉक की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एग्रेसिवली बाइंग या एग्रेसिवली जो ज्यादा एग्रेसिव थे जिनमें बायर लोग ने बाइंग की, तो कहीं ना कहीं 36% का वेटेज निफ्टी में इनका ही है। मीन्स अगर ये 5 स्टॉक का जो वेटेज है, मतलब रिलायंस का जो वेटेज है निफ्टी में वो 11.88%, बाद में HDFC बैंक का 10.34%, HDFC लिमिटेड का 7.7%, ICICI बैंक का 5.61%, मीन्स अगर हम लोग और बजाज फाइनेंस का 1.29%, अगर हम लोग 5 स्टॉक को मिला दें तो ये 5 स्टॉक ही 36% का अकेले वेटेज निफ्टी में कैरी करते हैं। अब ये बात हो गई कि इन स्टॉक में बाइंग आने की वजह से निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर था। अब हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बाइंग साइड ही लग रहे हैं, बायर एग्रेसिवली बाई करते जा रहे हैं और निफ्टी को अप ट्रेंड में लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। अभी जैसे कि मैं कहूं कि 10,328 का जो निफ्टी ने हाई बनाया है, अभी कहीं ना कहीं कोशिश है कि निफ्टी वो हाई ब्रेक करके 10,500 तक का एक हाई बना सकता है। और कहीं ना कहीं बाइंग साइड में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग नेक्स्ट वीक में, मतलब जून के फोर्थ वीक में भी हम लोग बाइंग साइड में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। मेरा सजेशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड ना रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और हम लोग इस वीक में कौन कौन से स्टॉक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, उसमें अगर मैं आपको कहूं तो एक्सिस बैंक, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, UPL और आइशर मोटर। और आप इस सब स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको एंट्री प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है प्रॉपरली मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप अपनी भी स्टडी कीजिए प्रॉपरली कि आप कौन से स्टॉक में बाइंग करें, तो खुद का भी स्टडी होना चाहिए कि आप किस तरीके से उस सेगमेंट को या उस स्टॉक्स को देखते हैं। जैसे कि अभी आज हमने बात की, वैसे हम ऑनलाइन कोर्स भी चालू करने के लिए कह रहे हैं। जैसे हमारे 1,000 सब्सक्राइबर होंगे तो हम लोग कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी और MCX पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर लेंगे, जिसमें हर एक लेक्चर कम से कम 1 से 1.5 घंटे का होगा, जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा कि कैश मार्केट क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है। और 1 महीने में आप अच्छी तरह मार्केट को समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह, कि मूवमेंट कैसा होता है, इसमें बाइंग सेलिंग कैसी होती है, पूरा डेप्थ नॉलेज आपको दिया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।